हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट दे उत्ते। दोस्तों जेकर तुसी चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता, सब तो पहला चैनल नू सबसक्राइब कर दो, नाल देता बैल आइकन दबा दो दोस्तों, हर नवी अपडेट दे लई। अज तुहाडे लई जॉब नोटिफिकेशन लैके आए जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई वालों, ते स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दे अंडर है जी, भारत सरकार दा एक अदारा एक डिपार्टमेंट है जी इह, ते जिन्नियां वी खेडां हुंदियां ने भारत दे पूरे भारत दे विच, ते सारियां जिहड़े इहदा मेंटेनेंस रख रखाव करवाउण दा जिम्मा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दा हुंदा। दोस्तों काफ़ी तरह दीआं पोस्टां आईआं ने जी नोटिफिकेशन दे विच, ते दोस्तों वैसे तां इह इंडिया बेसिस ते है, ऑल इंडिया लई भर्ती है, पर मैं तुहानूं दस देवां कि इस दे विच पटियाला लई वैकेंसीज़ हैगीआं ने, जिन्नियां वी वैकेंसीज़ ने इहदे इस नोटिफिकेशन दे विच, ते सारियां दे विचों मतलब एक एक जगह लई पटियाला लई हर वैकेंसी पटियाला लई है इहदे विच, ठीक है जी। ते हुण मैं तुहानूं दस दिंदा कि कीहड़ियां कीहड़ियां वैकेंसी ने इहदे विच, ज़्यादा समां ना लैंदे होए ते सब तो पहला दसदा कि जेकर तुसीं इह पोस्टां साडे राहीं अपलाई करवाउणा चाहुंदे हो तां साडा वट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन च दित्ता गया 9501867264, साडे राहीं अपलाई करा सकदे हो सानूं अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके, ठीक है जी। ते 100 रुपया फीस लई जाएगी तुहाडे तों। ते स्पोर्ट्स साइंटिस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जानी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भर्ती है दोस्तों, उस तो बाद तुहानूं पक्का कर दिता जाएगा। नोट करते जाओ कि कितने कितने किन्नियां वैकेंसीज ने, ठीक है जी। एंथ्रोपोमेट्रिस्ट दियां 11 ने जी, ग्रेड 2 ग्रेड 1 दियां 12 ने, इधर वैकेंसियां दित्तियां गईयां ने दोस्तों। इत्थे प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट किथे तुहाडी पोस्टिंग की जाएगी, पटियाला लई एक है, ठीक है जी। असी खास करके वीडियो पटियाला लई बना रहे हैं, हरियाणा के लिए रोहतक सोनीपत दे विच है, वो तुसी देख लेना अपने आप, नोटिफिकेशन का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा देवांगे। अगे दोस्तों एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट लई पटियाला लई 2 ने जी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के लिए पटियाला 7 ने, बायोमैकेनिस्ट नाम ही थोड़े औखे ने लैने, तो बायोमैकेनिस्ट लिए पटियाला 2 ने दोस्तों, फिजियोलॉजिस्ट लिए पटियाला 2 ने जी, बायोकैमिस्ट लिए पटियाला 1 है, स्पोर्ट्स मेडिसन लिए दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसन डॉक्टर लिए पटियाला 1 है जी, फिजियोथेरेपिस्ट लिए पटियाला 5 ने, मैस्योर लई 72 पोस्टां टोटल ने, पटियाला 6 ने, फार्मासिस्ट लई दोस्तों जेडे सानू स्टूडेंट जेडे करदे हुंदे सी मैसेज वगैरह यूट्यूब ते कमेंटिंग या करदे हुंदे सी कि फार्मासिस्ट दीआं वैकेंसीज दस दिओ, तां उहनां लई वीडियो है इह फार्मासिस्ट दीआं, रोहतक 1, सोनीपत 1, पटियाला 1, ठीक है जी। नर्सिंग असिस्टेंट दीआं 36 टोटल ने, पटियाला 3 ने जी, लैब टैक्नीशियन फॉर मैडिकल लैब्स ते पटियाला 1 है दोस्तों, लैब टैक्नीशियन नॉन मैडिकल ते इहदे लई पटियाला लई टोटल 6 ने जी। ते हुण दोस्तों अगे तुहानूं क्वालिफिकेशन दसदा, कल्ली कल्ली पोस्ट की नोट करते जायो। ते एंथ्रोपोमेट्रिस्ट लई मास्टर डिग्री इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, एक्सपीरियंस 1 साल का होवे, विद द नैशनल और स्टेट एथलीट्स नाल तुसीं कम कीता होवे, ठीक है जी। ते एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट लई PhD डिग्री इन फिजियोलॉजी, ते इहदे लई तुहाडे कोल 3 साल का तजर्बा होना चाहिए नैशनल जां स्टेट एथलीट्स नाल। ते अगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट लई मास्टर डिग्री इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स कोचिंग दे विच होवे दोस्तों, ते 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होवे तुहाडे कोल। बायो मैकेनिस्ट लई PhD डिग्री इन बायो मैकेनिक्स स्पोर्ट्स साइंस बायोफिजिक्स, ते 5 साल का तजर्बा होवे दोस्तों। इस तों इलावा फिजियोलॉजिस्ट लई PhD डिग्री होवे क्लिनिकल फिजियोलॉजी लई, अपलाइड फिजियोलॉजी, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च वर्क विद नैशनल और स्टेट एथलीट्स लई। ते सैलरी भी नाल नाल दित्ती हुई है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 40,000 50,000 60,000 40,000 तो प्लस ही है सारे नहीं, 60 तो 80, ठीक है जी। ते अगे दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर दे लई बायोकैमिस्ट दा रह गया, बायोकैमिस्ट दे लई दोस्तों मास्टर डिग्री इन बायोकैमिस्ट्री ते घट्टो घट 1 साल का तजर्बा। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर MD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। फिजियोथेरेपिस्ट लई मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। मैस्योर दे लई दोस्तों प्लस 2 पास तुसी होने चाहिए हो किसी भी रेकगनाइज बोर्ड तो,
ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35 ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੀ 45 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਈ ਬਿਲੋ 35 ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਦੀ 35 ਹੈ, 25,000 ਸੈਲਰੀ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 25,000 ਸੈਲਰੀ ਆ, 35 ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ 35 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪੋਸਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।